पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा, 2 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से तआवुन के माहदे नए पेशरफ्त हैं। दोनों ममालिक की शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। IMF प्रोग्राम सऊदी मदद के बगैर मिलना मुश्किल था। चीन और UAE के भी मशहूर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत का इस्तकबाल काबीना के डिप्टी चेयरमैन ने किया। सदर जरदारी आलमी फोरम से खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 4 खवारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। ऑपरेशन बनू और शुमाली वजीरस्तान में किए गए। 2 खवारजी जानी खेल, 2 हसन खेल में मारे गए। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिस। मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरांवाला, बिहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद शामिल। पाबंदी 12 अक्टूबर तक होगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। इजलास में आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास की सदारत खुर्शीद शाह करेंगे। कराची के इलाके बनारस में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। बनारस पुल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। और शाह फैसल कॉलोनी कराची में शॉपिंग सेंटर से गिरने वाले शहरी की शनाख्त वसीम के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया खुदकुशी का नहीं, हादसा है। मुतवफ्फी इमारत की छत पर सोलर पैनल देखने गया था।